वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज हम एक शेयर है मरीन इलेक्ट्रिकल्स, इसका एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि अपर सर्किट मारते जा रहे हैं, जिसे हाल ही में एक ऑर्डर मिला है लगभग 32 करोड़ रुपए का। तो इसमें एक न्यूज़ है, तो इसने एक ऑल टाइम हाई भी लगाया है। पहले इसका जो है हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि फंडामेंटली ये कितना स्ट्रांग है। तो पहले फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे screener.com पे, जो कि एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस टूल है, सॉफ्टवेयर ये। तो अगर देखेंगे मार्केट कैप, अगर देखेंगे मरीन इलेक्ट्रिकल्स का, तो 1316 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और ROE जो है 11 है, ROCE 16% का है, और PE जो है 54 का PE है। ये थोड़ा सा हाई लग रहा है, हल्का सा। और अभी इसने हाल ही में अपना जो 52 वीक हाई था, इसको ब्रेक किया है। तो फंडामेंटली अगर देखेंगे इसका जो चार्ट देखेंगे, तो अपर साइड में बुलिश में दिख रहा है ईयर ऑन ईयर का। और प्रोज और कॉन जो है, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 147 डेज टू 113 डेज, स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 6.63 टाइम इट्स बुक वैल्यू। मतलब ये थोड़ा सा बुक वैल्यू से लगभग 7% जो है बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थ्रू द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। मतलब ये डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.75% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी हैज़ हाई डेबिटर्स डेप्ट ऑफ 163 डेज। तो मतलब क्या है ना, ये जो कंपनी है अभी यहाँ पे जो दिख रहा है, लास्ट 3 ईयर से कुछ रिटर्न नहीं मिला है ज़्यादा। तो पिछले लास्ट ईयर में जो है, ये 2023 में लगभग 200% के आसपास मार्केट में इसको स्टॉक ने रिटर्न दिया है। तो इसके पीयर्स अगर देखेंगे तो सीमेंस, ABB, CG पावर, BHEL, सुजलॉन एनर्जी, अपार इंडस्ट्रीज, हिताची एनर्जी, और ये जो है इसके पीयर्स है। उनके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो इसका पी जो है वो अभी लगभग सस्ता ही दिख रहा है। बाकी के जो कंपनी के पी जो है जो ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसका पी ठीक है दिख रहा है। मार्केट कैप भी काफ़ी कम है, तो ये एक फ्यूचर में मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। लेकिन इसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के मार्केट कैप अगर देखेंगे या प्राइस देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस बाकी के शेयरों के, तो सब 5000, 6000, 4000 ये लगभग मल्टीबैगर बन चुके हैं। तो इनका ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो इसका ग्रोथ का पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से अगर देखेंगे। तो अगर इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे, पहले प्रॉफिट देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है स्टेटमेंट क्या है। तो अगर देखेंगे 2020 से या 2017-18 से भी पकड़ेंगे, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2020 से हम पकड़ते हैं 17, 23, 27, 35, 43, तो धीरे धीरे जो है प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है इसमें। तो ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये शेयर। इक्विटी कैपिटल अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंस है, यहाँ पे 2023 में 26 का था, और रिज़र्व अगर मार्केट इनके पास देखेंगे तो 170 का रिजल्ट है, रिज़र्व है, और बोरोइंग जो है 60 का है। मतलब इसका मतलब साफ है कि जितना इनके पास रिज़र्व पड़ा हुआ है, उससे कम इनके पास बोरोइंग्स है, तो ये एक अच्छी बात है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, ये फंडामेंटली ये थोड़ा सा बाकी के चीज़ों के हिसाब से अगर ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा मायने नहीं रखता है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो, एक मिनट, मैंने देखा था कहीं पे
शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका 72% के आसपास जो है प्रमोटर के पास है, और 27% जो है इसका स्टेक जो है रिटेलर के पास है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि रिटेलर के पास जितना कम स्टेक रहेगा तो वो कंपनी के जो प्रमोटर है उनको भरोसा होता है कि कंपनी अच्छा काम करने वाली है आने वाले कुछ सालों में। तो ये हो गई इसकी फंडामेंटल बात। अभी टेक्निकल हम देख लेते चार्ट पे। और ये एक बात है जो मैं अभी बोला था आपको कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, तो ये वाला जो है ये न्यूज़ है। 31.85 करोड़ का जो है इनको डिफेंस मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर मिला है अभी हाल ही में। तो इसीलिए ये जो है नया हाई लगा चुका है। तो चलिए अभी इसके लेवल्स निकाल लेते हैं। पहले कहाँ पे आप इसे बाय कर सकते हो, ये वीकली चार्ट है। अगर मंथली भी अगर आप देखेंगे, मंथली कैंडल भी काफ़ी अच्छा इसने फॉर्म किया है। देखो ये ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक करके यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। तो वीकली में देख लेते हैं एक बार कहाँ पे आप बाय कर सकते हो। तो वीकली में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे RSI भी 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। लगभग RSI अगर देखेंगे तो 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये जो ऑल टाइम हाई था इसका, इसको ब्रेक करके मार्केट ने दो बार यहाँ पे सपोर्ट भी बना चुका है। ये वाला जो है ये सपोर्ट बना चुका है। और ये जो इसका ऑल टाइम हाई था तो 2021 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। तो अभी 2023 से जब लगभग 2 साल का जो ये नीचे से ऊपर आया कंसोलिडेट करके, तो ये एक अच्छी बात है कि 2 साल के बाद में ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसे हम कहाँ बाय कर सकते हैं, मैं लेवल आपको एक बार बता देता हूँ। अभी यहाँ पे हाई पे बात बाय मत करिए। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब ये स्टॉक अगर नीचे आता है, तो एक्यूमुलेशन जोन जो है इसका 70 से लेके 85 जो है ये इसका बाइंग प्राइस जो है होने वाला है। ये वाला मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एक बार इसे प्राइस लेवल लगा देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि इसे बाय कहाँ पे करना है। ये वाला जो है यहाँ पे जब भी आएगा तो आप इसे बाय कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप बाय कीजिए इसे, तो आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर नीचे भी आता है, अगर ये वाला अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये वाला जो अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो देखिए इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट देने के बाद, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट भी लिया था, फिर इसने यहाँ पे बाउंस दिखाया था। वैसे ही अगर यहाँ पे ये वाला जो है एक ट्रेंड लाइन हम पकड़ेंगे और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हालांकि काफ़ी अच्छी खासी इसने अप मूव दिखाई है और स्ट्रांगली इसे इस लेवल को होल्ड भी कर रहा है, लेकिन एक बार इसे करेक्शन करके फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से अगर मैं मार्क कर देता हूँ, इस तरह से अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा तो काफ़ी अच्छा हमें गेन देखने मिलेगा आने वाले टाइम में। तो इस तरह से अगर कुछ पैटर्न फॉर्म करेगा तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो इसे आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय कर लीजिएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। लगभग इसने जो है एक साल में लगभग 200% के आसपास पिछले साल में रिटर्न्स दिए हैं। तो अभी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो आप इसे पोर्टफोलियो में सजा सकते हैं एक लंबी लंबे टाइम के लिए। तो ये फ्यूचर में मल्टीबैगर हो सकता है। अगर इसके आपको टारगेट भी अगर मैं हम निकाले तो मैं एक मिनट इसमें वीकली में मैं इसके फिबोनाची का लेवल्स निकालता हूँ, तो हमें पता चलेगा कहाँ तक जा सकता है। यहाँ से अगर देखेंगे जहाँ पे इसने अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम डालेंगे फिबोनाची, फिबोनाची अगर लेंगे, ये फिबोनाची का 0.5% का जो है इसने यहाँ से बाउंस किया है। अगर 0.5% से बाउंस किया है तो इसका जो है, एक मिनट, इसका अगर रेसिप्रोकल हम निकालेंगे 0.5 का, तो इसका आता है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ,
0.5% एक बहुत ही मजबूत लेवल होता है जहाँ से मार्केट बाउंस करता है या कोई स्टॉक बाउंस करता है, रिट्रेसमेंट लेवल होता है एक, या कहिए एक अच्छा खासा सपोर्ट होता है 50% का जो लेवल होता है, ये मार्केट के लिए अच्छा खासा बाउंस पॉइंट होता है। तो अगर देखेंगे ये यहाँ तक आया है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा तो ये वाले रहेंगे इसके टारगेट्स, ये वाला रहेगा फर्स्ट टारगेट, ये रहेगा सेकंड टारगेट। अगर फ्यूचर में ये तुरंत तो नहीं मिलेगा आपको रिटर्न्स इतने, इसको थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, और ये वाला रहेगा अगला टारगेट। अब ये जो है ये इसके आने वाले टारगेट हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन इसे आपको मल्टी ईयर के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो ये अभी रिसेंटली टारगेट होने वाले हैं जो कि है 106, उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलेगा तो 127 और 138.70, ये रिसेंटली टारगेट होने वाले हैं। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा लंबे अवधि के लिए। तो ये अच्छा खासा एक आपको पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर बन सकता है फ्यूचर में। तो इसे आप 4-5 साल के लिए अगर बाय करके छोड़ देते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी, तो भी ये आपको डिविडेंड तो ये ज़्यादा देती नहीं है कंपनी, लेकिन ये अच्छा खासा स्टॉक आपको हो सकता है। तो ये था स्टॉक का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको कुछ भी अगर किसी भी स्टॉक का जो है आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल दीजिए, तो मैं इसका उसका एनालिसिस और जो बाइंग के लेवल होंगे वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, कुछ वीडियो बना दूंगा। और ये डिस्क्लेमर मैं दे दूं, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा सिर्फ एक एनालिसिस है जो कि मैंने आपको पास ऑन किया है। तो आप कोई भी स्टॉक में अगर बाय सेल करना है तो आप अपने एडवाइज़र से सलाह लें और फिर ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो ये मेरा जो है ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है और पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये गोल्डन बुल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम डेली लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रोवाइड करते हैं, और डेली हम एनालिसिस वीडियो भी शेयर करते हैं, जो हमारा व्यू होता है लाइव मार्केट में वो भी हम शेयर करते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, तो आप इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। तो आने वाले जो एनालिसिस वीडियो रहेंगे, जो भी अच्छे स्टॉक्स होंगे जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेंगे, इसके एनालिसिस वीडियो में अभी इस 2024 में शुरू करने वाला हूँ, जिससे आपको कुछ बाइंग सेलिंग में मदद हो जाए। तो ये वाला जो है ये मेरा चैनल है, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये इंटरफेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका क्या है कैसा है। ये देखिए ये वाला जो है इंटरफेस है मेरे यूट्यूब चैनल का गोल्डन बुल्स नाम से। इसमें लिंक तो है टेलीग्राम चैनल का, लेकिन वो अभी तक क्लिकेबल नहीं है क्योंकि वो चैनल नया है, तो अभी तक कुछ क्राइटेरिया होता है उनका, तो उन्होंने अभी तक ये चालू नहीं किया है। तो ये है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और टीम गोल्डन बुल को सपोर्ट कीजिए। ये देखिए हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है डेली एनालिसिस वीडियो भी डालते हैं। नेटवर्क इशू की वजह से कुछ आ नहीं रहा है, एक मिनट। अगर आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके ऊपर आपको एनालिसिस वीडियो बना के डाल दूँगा। जिसको भी किसी शेयर का अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। तो ये देखिए ये वाला जो है ऐसा ये एनालिसिस वीडियो है डेली के, हम लाइव भी करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी जो है इसका लाइव भी हम करते हैं। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप नए हो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आज के लिए इतना ही, अभी हम एक दो दिन में और भी कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स जो पेनी स्टॉक्स भी है उनके ऊपर भी एनालिसिस वीडियो बनाने वाले हैं। तो तैयार रहिए 2024 के लिए अच्छे अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए और पेनी स्टॉक्स के लिए भी, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं इस साल में। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।